हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ एडमिट कार्ड 2023 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस सीएपीएफ सीपीओ एसआई सब इंस्पेक्टर के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैसे, कब और कहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिकॉर्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर के 1876 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और पेपर सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। डेट की अगर बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म्स कैंडिडेट से 22 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। पेपर फर्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड अक्टूबर 2023 के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होने जा रहा है। पेपर सेकंड आपका 22 दिसंबर 2023 को कंडक्ट होगा। तो यहां पर अब पेपर फर्स्ट की एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि अक्टूबर 2023 के पहले सप्ताह में कंडक्ट होने जा रहा है, उसके लिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने होंगे। आपके एडमिट कार्ड एग्जाम कंडक्ट होने के 2 या 4 दिन पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जी हाँ दोस्तों, पर्टिकुलर रीजन की वेबसाइट पर रिलीज कर दिए जाएंगे। आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। आपको इस पेज को नीचे डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर एसएससी सीपीओ एडमिट कार्ड 2023 आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एसएससी का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा, या फिर गाइस आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप करोगे ssc.nic.in और फिर यहां पर आप आ जाओगे। यहां पर आकर आपको एडमिट कार्ड की लिंक पर क्लिक करना है। टॉप पर ही आपको एडमिट कार्ड का ये आइकन दिया गया है, आपको इस आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको एसएससी के सभी रीजनल की ऑफिशियल वेबसाइट के यूआरएल मिल जाएंगे। आपको यूआरएल के सेक्शन में आकर ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरला रीजन, साउदर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिस रीजन से आप बिलोंग करते हो, जिसके लिए आपने फॉर्म फिल कर रखे हैं, उस पर्टिकुलर रीजन के इस यूआरएल पर लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने पर्टिकुलर रीजनल का ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा एसएससी का। यहां पर भी आकर आपको एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक कर देना है, या फिर आपको नोटिस बोर्ड पर एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। एसएससी सीएपीएफ दिल्ली पुलिस एसआई के एडमिट कार्ड के लिए लिंक आपको यहीं पर एक्टिव कर दिए जाएंगे, यहां पर पर्टिकुलर रीजनल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और फिर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, या फिर आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हुए अपने एडमिट कार्ड यहां पर डाउनलोड कर लेने हैं। पर्टिकुलर रीजन के लिए अलग अलग आपको यहां पर डिटेल प्रोवाइड करानी होगी और उसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने होंगे। तो दोस्तों, ऐसे आप अपने एसएससी सीपीओ एसआई एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।